नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जो आपके जीवन में प्रगति और उन्नति लाएंगे। उन्हीं उपायों को सही विधि विधान से बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजू शुक्ला जी, जो आज आपको बताएंगे कैसा रहेगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपित्जम्बु फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम्। सारे विघ्नों का नाश करना और हमारा ये प्रयास रहता है कि ज्योतिष के माध्यम से बहुत आसान आसान सी चीज़ें ऐसी बताएं जिससे कि लोगों को सुख शांति और समृद्धि, ये तीनों चीज़ें प्राप्त हों। आसानी से मिल जाने वाले पदार्थ और उनसे होने वाले बड़े बड़े उपाय, बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करना, ये भी एक रिसर्च का विषय है। आज हम बात करेंगे गुड़ से जुड़े ज्योतिषीय उपाय। गुड़ सबको मिल जाता है, सूर्य की स्थिति कमजोर है तो गुड़ का सेवन खाएं और जल पिएं। बहते पानी में गुड़ की डली बहा दें, इससे भी सूर्य दोष दूर होता है। 800 ग्राम गेहूँ, 800 ग्राम गुड़ रविवार से 8 दिन तक मंदिर में भेंट करने से भी आपको लाभ होगा। अगर 12वें भाव में सूर्य है, जिसको बोलते हैं 6, 8, 12 त्रिकस्थ सूर्य त्रि भाव में, तो बंदरों को गुड़ जरूर खिलाएं। भय से मुक्ति चाहिए, तांबे के बर्तन में गुड़ रख के हनुमान जी के मंदिर में दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल किताब के अनुसार भी है, हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग लगता है, चढ़ाएं। गुड़ की आप 60 दलिया, 1 रुपये का सिक्का, 7 साबुत गांठ लेके आप ये कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए विशेष रूप से गाय को अगर आप आटा गुड़ इत्यादि खिलाएंगे। अगर सूर्य कमजोर हैं, गुड़ का सीधा संबंध सूर्य से, वैसे मंगल का भी होता है लेकिन सूर्य से विशेष रूप से होता ही होता है, तो ये आप पदार्थ सब नोट कर लें और आपकी जो समस्या जिस प्रकार की है उसके हिसाब से आप देखें। कुंडली में 12वें भाव में सूर्य है तो बंदर, और वैसे भी बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से मंगल और सूर्य दोनों बैलेंस होते हैं, तो आजमा के देखिए। गुरु जी, अब दर्शकों को बताइए आज की 12 राशियों का राशिफल क्या कह रहा है और क्या है वो खास उपाय जो आगे बढ़ने में मदद करेंगे। मेष राशि वालों, आशाओं पे खरा, आज आपको उतरना पड़ेगा ही। आज आपको लोगों के सामने प्रेजेंटेशन भी देना पड़ सकता है। घर और अनुकूल वातावरण, बाहर का मन चाहा आपके हिसाब से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मानसिक शांति मिलेगी। कुछ ऐसे धार्मिक कार्यों से आपको जुड़ना जरूर चाहिए। स्वजन से आनंददायक समाचार भी आप प्राप्त करेंगे। घर में सुख साधनों की कमी नहीं होगी। 1.25 मीटर लाल वस्त्र ले लें, मंदिर में या धर्म स्थान पे आप दे दें। किसी धार्मिक पुस्तक को लपेट के अगर दे दें तो और अच्छा है। 6 कांग गुलाबी रंग नीला रंग जो है आपके लिए बात करेंगे। वृषभ राशि, परिवार में अप्रिय घटना घटित होने से दुख के प्रसंग बन सकते हैं, लेकिन चिंता ना करिए, दोपहर बाद सब ठीक हो जाएगा। प्रातःकाल का समय आलस्य में कुछ बीत सकता है। कुछ वर्चस्व को लेकर टकराव की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन ये सारी स्थितियाँ दोपहर तक ठीक हो जाएंगी। वाणी व्यवहार से किसी का लेकिन आयत ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। परिजनों के साथ पिकनिक यात्रा इत्यादि पर भी खर्च कर सकते हैं। दोपहर बाद लाल फल, सूखे मेवे का दान और तांबे के बर्तन का दान करना आज आपके लिए अच्छा रहेगा। 8 कांक नीला रंग आपके लिए चुना है। मिथुन राशि की बात करें तो आज आप सुख शांति और समृद्धि, ये तीन चीज़ों का आपके अंदर वास आज होगा। सेहत भी सामान्य बनी रहेगी, सामान्य सेहत से आपको कई चीज़ें आप कर सकेंगे, घरेलू कार्य भी कर सकेंगे और प्रोफेशनल कार्य भी आप कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र में आशा के अनुरूप व्यवसाय होने से आपका धन लाभ भी होगा, क्योंकि सबसे पहला सुख निरोगी काया और काया आत्मा कारक सूर्यदेव है, तो सूर्यदेव की आराधना करना। नारंगी रंग 2 कांक शुभ है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए। कर्क राशि वालों, पिछले कल से उत्तरोत्तर अब दिन आपके बेहतर होते चले जा सकते हैं। दशम भाव में गुरु बृहस्पति देव का प्रभाव भी वातावरण बीच बीच में खराब लेकिन फिर उत्तम, काम की गति धीमी फिर उत्तम ये भी रह सकती है। भागीदार के कार्य में हानि होने की संभावना, लेकिन वो हानि अब टलने लगेगी। लंबी यात्रा हो और लाभकारी यात्रा होने की संभावना। आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करना, बजरंग बाण का और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अच्छा है। 7 कांक गुलाबी रंग और भूरा रंग शुभ है। करके देखें, उपाय अच्छे हैं, छोटे छोटे उपाय। सिंह राशि, आप व्यस्त दिनचर्या, बस इस चीज को, इस एंगल को आप साथ सुधार लें।
वरना काम के समय भी दिमाग में विपरीत विचार चल सकते हैं। जो काम आपके हाथ में हो पहले उसको विचार लेके करें। मित्र के साथ मनोरंजन इत्यादि और आपको प्राप्तियां आज आपकी अच्छी बनी हुई हैं। लोगों से मेलजोल आपका अच्छा रहेगा। हनुमान जी को चोला चढ़ाना आज आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। एक अंक गहरा गुलाबी आपके लिए शुभ है। अब हम बात कर लें कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, फिजूल की बातों में आप मानसिक तनाव, अनर्थक निरर्थक चर्चाएं आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि घरेलू वातावरण और आपका सोशल मीडिया पर वातावरण पहले से ही बहुत अच्छा नहीं है। आज के दिन पूर्व नियोजित पर्यटन की योजना भी आपकी बिगड़ सकती है। लोगों को मैसेज भेजने से पहले आप सोच भी सकते हैं कि क्या हम सही भेज रहे हैं। गाय का गुड़ और रोटी खिलाना और दलिया का सेवन करना अच्छा रहेगा। हरा रंग एक आपके लिए शुभ। तुला राशि की बात कर लें। आज का दिन आपका थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट देगा, मिला जुला रह सकता है। आर्थिक रूप से मध्यान्ह तक का समय वैसे तो ठीक है, लेकिन मध्यान्ह के बाद आप भाव में बहेंगे। धन लाभ की अपेक्षा फिलहाल खर्चा अधिक होता हुआ दिख रहा है। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर टकराव की स्थितियाँ भी आपकी बनी हुई है। विवेक से काम ले, कही सुनी बातों में बिल्कुल भी आप ना आए। अन्न का दान करना आपके लिए शुभ और सुंदर हो सकता है। 10 अंक फिरोजी और काला रंग शुभ है। आज के दिन समान फलदायक रहेगा वृश्चिक राशि वालों, यानी बहुत ज़्यादा आप हाई होप्स भी ना रखें, लो होप्स भी ना रखें। विशेष कार्य नहीं रहने से दिन भर आपको लगेगा कि कुछ कार्य की कमी है, आलस्य भी आ सकता है, सेहत भी आपकी थोड़ी प्रतिकूल रहेगी, शरीर में निष्क्रियता रहने की भी संभावना है। लेकिन इसके विपरीत व्यर्थ के विवाद रहने में ग्रह से मन भी उठने लगेगा। तो बृहस्पति देव का श्री विष्णु सहस्रनाम भी आज आप पाठ करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विष्णु जी की पूजा करिए। नीला और तोक अंक आपके लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं धनराशि की। खर्चों की अधिकता, लेकिन फिर भी आपके पास धन की आवक बनी रहेगी। थोड़ा सा आज आप लोगों की सुने ज्यादा, अच्छे श्रोता आज बन जाइए। वक्ता तो आप हैं ही, अच्छे रिश्तेदारी से शुभ समाचार मिलेगा। उत्तम भोजन वाहन का भी आपको विशेष सुख प्राप्त होता हुआ देखा जा रहा है। अपव्यय आपको कम करना चाहिए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चांदी के लोटे से अगर आप चढ़ाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। पीला रंग 3 का शुभ। अब हम बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, आज को गलत निर्णय से कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। सामाजिक क्षेत्र में धोखा होने की संभावनाएं आपकी बढ़ सकती है। धन की समस्या आपकी खड़ी हो जाएगी आके, और इसी के साथ थोड़ा सा आपको स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने से घर के बाहर का वातावरण अशांत दिखता हुआ नजर आ रहा है। किसी षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं। मकर राशि वालों, दूर रहिएगा सफ़ेद मिष्ठान, जिस सेहत के हिसाब से आप दें तो अच्छा रहेगा। हरा रंग 17 ठीक है। कुंभ राशि वालों, बेहतर रहने वाला है आज का दिन, लेकिन इस बेहतरी के पीछे आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा। विदेश संबंधी कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं, छोटे छोटे व्यवधान आएंगे। आकस्मिक कष्ट आपको देखना पड़ सकता है, वो आपका शारीरिक भी हो सकता है और थोड़ा किसी बात से तनातनी भी हो सकती है। सामाजिक रूप से भी आपका दिन अच्छा रहता हुआ देखा जा रहा है। मान बढ़ने से आप गर्वित महसूस करेंगे। शिवलिंग पर चने की दाल अर्पित करें और जौ जरूर अर्पित करें आज। लाइट ब्लू और 8 का अंक शुभ है। मीन राशि की बात कर लें। आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है, लेकिन फिर भी अनुकूलता में भी मनोकामना पूर्ति का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन आपको आज के दिन कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर ऐड होगी आपके कार्यों से संबंधित। जहाँ तक की बात है काम धंधा अपेक्षा के अनुसार रहने से आपको धन लाभ प्लानिंग और डील्स मिल सकती हैं। हनुमान जी की पूजा करें आज आप। हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए शुभ रहेगा। 4 अंक भूरा रंग शुभ है। तो आज आपने जाना कैसा होगा आपका आज का दिन और क्या है वो खास उपाय जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-403-6524 पर। ये उनका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप टेक्स्ट मैसेज कर अपने सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। और साथ ही गुरुजी की ईमेल आईडी है rajivshuklaonline@gmail.com। आज के नक्षत्र में बस इतना ही। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार।